केंद्र सरकार द्वारा पशुओं को मुंहखुर व गलघोटू की बीमारी से मुक्त करने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। 1 फरवरी से शुरू हुआ यह अभियान 31 अप्रैल तक चलेगा। जींद पशुपालन विभाग के पॉलीक्लिनिक के प्रभारी डॉक्टर बलवंत ने बताया कि टीकाकरण अभियान के माध्यम से सभी दुधारू पशुओं को रोगों से मुक्त किया जाएगा और इससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। टीकाकरण के लिए पर्याप्त टीमों का गठन भी कर दिया गया है जो घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी है कि अगर 4 माह से ऊपर आयु का कोई भी पशु है तो उसे टीका अवश्य लगवाएं। टीकाकरण से पशुओं के दूध उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है कि ये वैक्सीन है जो पहले तो साल में हमें 4 बार लगानी पड़ती थी, अब उसका 50% हमारी स्ट्रेस हो गई, एनिमल के ऊपर भी स्ट्रेस कम हो गई, हमारे डॉक्टर के ऊपर भी और फार्मर भी हमें वैक्सीन नहीं लगाने देता था कि तो हर बार बहुत जल्दी आप वैक्सीन लगाने आ जाते हो। ये कंबाइंड वैक्सीन आने के बाद अब साल में सिर्फ 2 बार वैक्सीन हम लगाते हैं। ये वैक्सीन अच्छे से लगाएं, ये बीमारी एक बार से चली गई, जैसे हमारे पोलियो को हमने उन्मूलन कर दिया, बिल्कुल पोलियो हम मुक्त कर दिया भारत को, इसी तरह हम चाहते हैं कि गलघोटू और मुंहखुर की बीमारी से भी भारत पूरी तरह से मुक्त हो जाए। यही भारत सरकार की ये स्कीम है। जब बीमारी आती थी जी बहुत ज़्यादा आती थी, अब यहाँ 10-12 साल के बाद कोई बीमारी नहीं आती है। ये टीके लगवाने का कोई असर नहीं पड़ता, दूध पर भी नहीं पड़ता है जी। ये बहुत अच्छे हैं, लगवाने चाहिए जी। गोटू की मुंहखुर रोग की बीमारी आ करती जी, यही से अब बिल्कुल ठीक है जी, कोई बीमारी नहीं आती जी। गोटू मुंहखुर के जो टीके लगाए जा रहे हैं इनसे हमारे पशुओं को पूरा आराम है और मतलब आप भी लगवाओ, सभी लगवाओ, भारत सरकार का इस चीज़ का हम धन्यवाद करते हैं जी। पहले ये मुंहखुर के गलघोटू की बीमारी बहुत ज़्यादा था जी, उससे बहुत परेशान रहते थे जी हमें, अब पैरों में आ जाता था कभी मुंह में जी। आई जब से ये टीके लगने लग रहे हैं जी गलघोटू के, ये बहुत आराम रहता है जी, इससे कोई दिक्कत नहीं आती जी। पहले जो ये पशुओं में बीमारी आती है गलघोटू की, अब ये टीके लगने लगे हैं, इसे बहुत फ़ायदा हुआ है और हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।